जय श्री राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा एवं कहां कहां पर दिखेगा, इसके साथ ही इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था, इसी के साथ ही साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने वाला है। इस दिन सर्व पितृकार्य अमावस्या भी होगी। सर्व पितृकार्य अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष की समाप्ति होगी एवं अगले दिन नवरात्रा का पर्व प्रारंभ होगा। आइए आपको बताते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं चंद्रमा धरती से काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो इसे वलयाकृति या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस बार कंकणाकृति सूर्य ग्रहण लगेगा। कंकणाकृति अर्थात कंगन के आकार जैसा, इसमें सूर्य की आकृति कंगन के आकार जैसी हो जाएगी। इसे चंद्रमा पूरी तरह से नहीं ढक पाता है। धरती से देखने पर सूर्य का बाहरी हिस्सा किसी कंगन की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। 14 अक्टूबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा, इसलिए कन्या राशि व चित्रा नक्षत्र के जातकों को सावधान रहने की अति आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ करना मना होता है। आइए अब हम सूर्य ग्रहण का समय जानते हैं। सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात्रि 8:34 से शुरू होगा और रात्रि 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। आइए अब जानते हैं क्या सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा। 14 अक्टूबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई ना देने की वजह से यहां सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इस वलयाकार सूर्य ग्रहण को दुनिया के कई हिस्सों में देखा जाएगा, जैसे पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक आदि देशों में देखा जाएगा। सूतक काल में देवी देवताओं की मूर्ति को छूना मना होता है। हालांकि सूतक काल मान्य ना होने की वजह से भारत में किसी भी तरह की पूजा पाठ पर कोई रोक नहीं होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण को महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं में गिना जाता है, तो वही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, यदि सूर्य ग्रहण दर्शनीय ना हो तब भी इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। इस दौरान कुछ राशियों को सर्वाधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर। इन राशियों को सूर्य ग्रहण की अवधि में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस बार सूर्य ग्रहण के दिन अश्विन अमावस्या की तिथि पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन शनि अमावस्या व्रत भी रखा जाएगा। सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जाएगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। माना जा रहा है सूतक काल मान्य न होने की वजह से किसी भी तरह के शुभ कार्य या पूजा अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों।